हेलो गाइज, वेलकम टू ट्यूब मंत्र। मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में आप चैनल डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए कैसे एक प्रोफेशनल चैनल डिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे। दोस्तों, चैनल डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हमारे चैनल को एक प्रोफेशनल चैनल बनाता है। दोस्तों, जब भी कोई नया व्यूअर हमारे चैनल पर आता है तो हमारे चैनल का लोगो, चैनल आर्ट और चैनल डिस्क्रिप्शन देखकर इंप्रेस होता है, उसके बाद सब्सक्राइब करता है। तो जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से अगर आप चैनल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही, साथ साथ आपका चैनल प्रोफेशनल दिखेगा और आपको अधिक से अधिक स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगे। तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल चैनल डिस्क्रिप्शन लिखें, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप ऐसे ही यूट्यूब लर्निंग और यूट्यूब ट्यूटोरियल संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए 5000 वर्ड मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा 5000 वर्ड्स में ही डिस्क्रिप्शन को लिख देना है। आपको कम से कम शब्दों में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को लिखना है, ताकि जो भी व्यूअर आपके चैनल पर आए उनको कम शब्दों में ही पता चल जाए कि आपके चैनल का मेन निश क्या है, आपके चैनल का मेन थीम क्या है। तो अब आपको ले चलते हैं अपने सेकेंड यूट्यूब चैनल टॉक एंड टिप्स पर, और उसी पर आपको दिखा देते हैं कि चैनल का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। तो ले चलते हैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब में लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन हो जाने के बाद आपके चैनल का होम पेज कुछ इस तरह दिखेगा। तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है, और कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो, यहाँ पर तीनों दिख जाएंगे। आपको बेसिक इन्फो में चले जाना है। बेसिक इन्फो में जाने के बाद आपको आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। दोस्तों, यहाँ पर लिखने की बात है तो भाई हम इंग्लिश या हिंदी, यही इन्हीं दो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन आजकल का जो भी प्रचलन है, जो भी ट्रेंड है, दोस्तों आप इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हिंदी में ही लिख दीजिए। अगर हिंदी में लिख देंगे तो भाई जो भी आपके चैनल पर आएगा लगेगा यार ये तो गजब का यूट्यूबर है, अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा। पूरा का पूरा इंग्लिश लिख देंगे तो अब जो जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा कहेंगे यार ये तो पूरा का पूरा इंग्लिश में लिख दिया है। तो आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए। और जो सेकेंड चीज है वो है प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन कहीं से कुछ भी शुरू कर दीजिए, पहले हाय हेलो कर दीजिए फिर अपने चैनल का नेम बता दीजिए, नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना होगा। तो अब देखिए आपको करना क्या है। फर्स्ट का जो 150 से 200 वर्ड है उसमें आपके चैनल का जो भी निश है वो लिखना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के 150 से 200 वर्ड में आपको हाय हेलो कर देना है कि हाय माय नेम इज जो भी आपका नाम है, और ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पहले 150 शब्दों में अपने चैनल का मेन निश लिखना है, आपके चैनल का मेन थीम लिखना है कि आपके चैनल पर किस तरह का वर्क होता है, किस तरह के वीडियो आते हैं। तो देखिए अभी मेरे चैनल का ये डिस्क्रिप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक न्यूज़, अनबॉक्सिंग, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक, गैजेट रिव्यू। देखिए इसका फ़ायदा बताऊँगा कि पहले 150 शब्दों में अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका फायदा क्या होगा। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाय हेलो भी कर दिया है, और अपना नाम भी दे दिया है, और अपने चैनल का नाम भी दे दिया है। तो अब इसका फायदा बताते हैं कि पहले 150 शब्दों में अपने चैनल का निश लिखेंगे, थोड़ा सा हाय हेलो अपना नाम दे देंगे, तो इसका फायदा क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो गया है। मान लीजिए कोई भी व्यूअर आपके चैनल को यहाँ यूट्यूब में या कहीं भी सर्च करता है। देखिए यहाँ पर मैं ही अपने चैनल को ही यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैंने अपने चैनल को सर्च कर दिया, YouTube में जाकर मैंने अपने चैनल को यहाँ पर सर्च किया, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है। अगर आप अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखे होंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर मेरे चैनल का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया, और शुरू में ही मेरे चैनल का निश दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो भी मेरे चैनल का निश है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा जो है नाम भी आ गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि शुरू के जो 150 वर्ड्स हैं इसमें आपको अच्छे तरीके से लिखना है, पूरा कहानी नहीं लिख देना है। अब चलते हैं सेकेंड टिप्स की तरफ कि अब आपको क्या करना है। तो आप 150 वर्ड्स में अपने चैनल का निश नाम वगैरह लिखने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको अब अपने व्यूअर को बताना है कि आप मेरे चैनल पर क्या क्या देख सकते हैं या क्या क्या सीख सकते हैं, मेरे चैनल पर क्या क्या बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि भाई आप मेरे चैनल पर वीडियो को देखते हैं तो क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। दोस्तों अपने चैनल का एडवांटेज बताने के बाद आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह
आप अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं कि आप अपने सप्ताह में कितने वीडियो लाते हैं या एक मंथ में कितने वीडियो लाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं कि किस टाइम में आप वीडियो लाते हैं। आप मतलब यहाँ पर यूजुअली दे सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है इस टाइम में वीडियो लगभग आ ही जाता है। इसके अलावा आप चैनल कब शुरू किए हैं ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आपने जीमेल बनाया होगा तब आपका चैनल क्रिएट करने का दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आप जब अपने अपना चैनल शुरू किया तब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने चैनल का यहाँ पर प्रोग्रेस दिखा सकते हैं या माइलस्टोन दिखा सकते हैं। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको ये काम ज़रूर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कॉल टू एक्शन करना है। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि ये सब सारी चीज़ लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो गाइज यू कैन सब्सक्राइब मी एंड कीप सपोर्ट। आप शुरू में ही मत लिख दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो, ऐसा कुछ मत लिखिएगा। आप सारा चीज़ बताने के बाद भाई जो डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होगा अगर यहाँ तक पढ़ के आएगा तो ये सब्सक्राइब वाली बातें पढ़ेगा, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा, क्योंकि इतना डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद भाई कुछ तो इंटरेस्ट होगा तभी पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने चैनल पर अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में अपना जो भी सोशल मीडिया है, जैसे कि आपका अगर कोई अनदर यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक दे सकते हैं, फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं, आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक दे सकते हैं। ये सारे लिंक देने के बाद अब आप बिजनेस क्वारी के लिए सबसे नीचे में आप अपना एक जीमेल आईडी दे दीजिए, क्योंकि मान लीजिए जिसको भी बिजनेस करना हो आपको वो डायरेक्ट नीचे आकर आपका जीमेल अकाउंट रीड कर लेगा और वहाँ से आपको बिजनेस के लिए कॉन्टैक्ट कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरह अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा, और आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।